तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म किया था। नाउ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग के टॉपिक्स में हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में हमने मतलब डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या था हमारे पास, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दैट वाज यूनिपैरेंटल, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही पेरेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, चाहे वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस हो, बडिंग की प्रोसेस हो, रीजनरेशन के प्रोसेस हो, स्पोर फॉर्मेशन हो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशंस करते हैं अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ बाई पेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दो पेरेंट्स मिल करके ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, वी कैन राइट द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच ऑफस्प्रिंग्स offsprings are formed by the fusion of male and female gamete, by the fusion of male and female gamete, male ke liye hum ye wala symbol use karenge, male and female gamete is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल गैमेट की बात हो रही है, दो तरह के ऑफस्प्रिंग्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज बाईपैरेंटल, अनलाइक द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच वाज यूनिपैरेंटल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमारे पास बेसिक इवेंट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमारे पास जो डिफरेंट जो मतलब फेजेस होते हैं, हम उनकी हम बात करते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल में हो, हमारे पास इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो ये देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फेजेस हैं। तो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लुक हियर, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम तीन स्टेजेस में या तीन फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव प्रीजाइगोटिक, प्रीजाइगोटिक फेज, देन वी हैव जाइगोटिक फेज एंड देन वी हैव पोस्ट जाइगोटिक फेज। प्रीजाइगोटिक, जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक, तीनों में क्या होगा, जैसे हमने देखा डेफिनेशंस में क्या है, द प्रोसेस इन विच द ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले फ्यूजन के लिए सबसे पहले तो क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का होना जरूरी है, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो दैट इज प्रीजाइगोटिक फेज, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जाइगोटिक सॉरी प्रीजाइगोटिक फेज में क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स कौन से, दैट इज मेल गैमेट, गैमेट्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की फॉर्मेशन होगी। मेल एनिमल के केस में मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एक्सेल या ओवम। और प्लांट के केस में मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स, एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स डेवलप होकर के मेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं, बट वी कैन टेक पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट के लिए वहाँ पे भी हम एक्सेल या ओवम वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास गैमेट अवेलेबल है, दैट इज द प्रीजाइगोटिक फेज। देन आफ्टर द जाइगोटिक फेज, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट। तो नेक्स्ट फेज इज फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है।
एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दोनों की फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन. तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन और अनदर नेम सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, दैट इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट नाउ द जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल. अब इसमें डेवलपमेंट में अलग अलग स्थिति आएगी. सबसे पहले जाइगोट में डेवलपमेंट होगी. जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो क्या करेगा, एक मास ऑफ सेल्स बनाएगा, डिफरेंट सेल्स बनते हैं. देन आफ्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स, डिफरेंशिएशन का मतलब कि कौन सा सेल्स जो होगा वो फिर बॉडी के किस ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन. एंड फाइनली द कंप्लीट इंडिविजुअल इज फॉर्म. तो दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पोस्ट जाइगोटिक फेज, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल. ओके, जिसको कि हम पोस्ट जाइगोटिक फेज बोलते हैं. ऑब्वियसली जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हम सभी अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं, एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट. तो पोस्ट जाइगोटिक फेज में हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोस्ट जाइगोटिक फेज मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म कंप्लीट ऑफस्प्रिंग या कंप्लीट इंडिविजुअल. Complete individual. Okay. So this is sexual reproduction. आगे हम जब प्लांट और एनिमल का हम केस लेंगे तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये प्रीजाइगोटिक फेज, जाइगोटिक फेज और फिर पोस्ट जाइगोटिक फेज. अब एक जो मेजर चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के डिफरेंसेस में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस इज प्रोड्यूस्ड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नेग्लिजिबल होते हैं, नाम मात्र का वेरिएशंस होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे बोलते हैं वेरिएशंस आर एब्सेंट. एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर प्रेजेंट. और वेरिएशंस का क्या रोल होता है हमें डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्रिएट क्यों होते हैं, क्या रीजंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्रिएट होने का, और क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये काफी जरूरी है और ये एसेक्सुअल मोड के ऊपर मतलब डोमिनेंट है, या यू कैन से कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वही सेक्सुअल के कंपेरेटिवली काफ़ी एडवांस्ड है, एडवांस ऑर्गेनिजम्स में होता है, और इसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है. तो वेरिएशंस क्यों क्रिएट होती है, वेरिएशंस का सर्वाइवल में क्या रोल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर दुनिया में सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, दुनिया में जितने भी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल एक ही जैसे हो जाए, कोई वेरिएशंस नहीं हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्वाइवल में दिक्कत आएगी. एक पर्टिकुलर डिजीज या कुछ अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो एकदम से सबकी डेथ हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ में यूजफुल वेरिएशंस होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी बाद में फेवरेबल बना लेते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब वेरिएशंस प्रोड्यूस कैसे होती है, तो वेरिएशंस की हम बात करते हैं, रीजंस फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस देखिए. तो वेरिएशंस हमारे पास तीन रीजंस की वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, वेरिएशंस कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस होने का तीन रीजंस है. फर्स्ट दैट इज फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग, फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग, देन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. म्यूसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. एंड द नेक्स्ट रैंडम फर्टिलाइजेशन. ये तीन रीजन्स हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है. अब देखिए प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, वी नो दैट सेल डिवाइड करते हैं जब भी जहाँ पे भी, जैसे मतलब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रीजाइगोटिक फेज, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो गैमेट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास म्यूसिस सेल डिविजन होता है. तो जैसे सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसके पहले सेल अपने कंटेंट को क्या करेगी, अपने कंटेंट को रेप्लिकेट करेगी, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. जो कुछ के अंदर उसके अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, वो फिर रेप्लिकेट होगा. तो दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. और इस डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की जो कॉपिंग होती है उसके लिए सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बट दिस इज द रूल ऑफ द नेचर.
नथिंग इज 100% परफेक्ट, कुछ भी क्या है 100% परफेक्ट नेचर में कुछ भी नहीं होता। तो जब 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है तो इसके लिए हमारे पास जो डीएनए की कॉपिंग के लिए जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंड अगेन कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% रिलायबल 100% एक्यूरेट नहीं होती, अपनी एग्जैक्ट कॉपी वो जनरेट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ फॉल्ट क्रिएट हो जाती है एंड दीज फॉल्ट लीड्स टू द वेरिएशंस। समटाइम फॉल्ट्स आर सो सीवियर, समटाइम फॉल्ट्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं कि जो सेल्स जो है जो सेल्स में वो जिस पर्टिकुलर सेल्स में वो डीएनए जाएगा या वो डीएनए सेल्स के एपरेटस के साथ कोप अप नहीं कर पाता, उस कंडीशन में पूरी की पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में जो वेरिएशंस है ये वेरिएशंस यूजफुल वेरिएशंस हो सकते हैं और यूजफुल वेरिएशंस की वजह से सर्वाइवल बेनिफिट मिलती है। तो एक तो रीज़न हमारे पास ये हुआ फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग। जैसे आप ये समझिए फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग कैसे हुआ, फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग की बात करते हैं। हमारे पास एक ये डीएनए का स्ट्रैंड है, लुक हियर, दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एज एक्सप्लेन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो ये अपनी कॉपी करने से पहले पहले क्या करेगा, पहले अनवाइंडिंग होगी, ये जो है यहाँ से ओपन होगा और ये ओपन हो गया। अब सेल के अंदर मौजूद जो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजिनस बेसिस वगैरह फॉस्फेट सेल जो कुछ भी, उसको यूज करके ये अपनी कॉपी जनरेट करेगा, ये अपनी कॉपी जनरेट करेगा। देखिए इसने अपनी कॉपी जनरेट कर ली, मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसने अपनी कॉपी जनरेट कर ली। नाउ व्हाट हैपन, ये फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, ये फिर से ये ऐसे, ये देखिए ये हमारे पास पेरेंटल कॉपी है। अब क्या हुआ कि जब ये कॉपी जनरेट हुई तो 100% एग्जैक्ट कॉपी जनरेट नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होगी जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये डिफरेंसेस यहाँ यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो गई, ऑब्वियसली वेरिएशंस हो गए इसकी वजह से। अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, पेरेंटल स्ट्रैंड को कंजर्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, तीन जगह पे यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गई है, इसमें फोर पॉइंट पे फॉल्ट क्रिएट हो गई है। ऑब्वियसली जब ये किसी एक पर्टिकुलर सेल में जाएगा, ये किसी पर्टिकुलर सेल में जाएगा, दोनों सेल जो होंगे वो पेरेंटल सेल से डिफरेंट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है। दूसरी सिचुएशन हम ले सकते हैं क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसिस। अब देखिए म्यूसिस में एक प्रोसेस होती है, म्यूसिस में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, और प्रोफेज में फिर काफ़ी सारी स्टेजेज आती हैं, पैकेटिनी, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैकेटिनी, डाइकानिसिस, काफ़ी सारी स्टेजेस है वो हमें डिस्कस नहीं करना। उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज में एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या समझिए, पहले हमारे पास एक ही सेल है, ठीक है, दो क्रोमोजोम्स, पहले ये क्रोमोजोम है, ये इसका क्रोमैटिड है, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस वन इज सेंट्रोमियर, ये क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम ये है, दूसरा क्रोमोजोम ये है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दोनों क्रोमोजोम बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। देखिए क्या होगा, लुक हियर, एक क्रोमेटिड इंटैक्ट है, ये इसके लिए गले मिलने के लिए इसने अपनी बाहें फैलाई, दूसरा हमारे पास सेकेंड क्रोमोजोम दिस वन, ये भी बड़े प्यार से इनका स्वागत करेगा, गले मिल गए, मधुर मिलन हो गया, बट आफ्टर दैट अब तुरंत लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई छोटी मोटी नहीं, दोनों एक दूसरे के बॉडी के पार्ट्स को तोड़ के फिर अलग होंगे, दोनों एक दूसरे के मुंडी को, हाथ पांव को तोड़ के फिर अलग होंगे। अब देखिए फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेज में, क्या हुआ, लुक हियर, ये वाला क्रोमोसोम दिस वन इज इंटैक्ट, बट जो दूसरा वाला जो क्रोमेटिड है, इतना पोर्शन इसका ये ब्लैक से, और अब इस पे क्या होगा, दूसरे वाले का ये वाला पोर्शन टूट के इस पे लग गया, ठीक है, सेम थिंग हैपन हियर, यहां पे क्या हुआ,
इतना पोर्शन तो ठीक है, बाकी इन्होंने अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज क्रॉसिंग ओवर, सिंपल। दो क्रोमैटिड हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बट जब क्रॉस करके जब अलग होंगे तो दोनों अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका ये वाला सेगमेंट इस पे लग जाएगा, इसका वाला सेगमेंट इस पे लग जाएगा, एंड दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ऑब्वियसली अब जब सेल जब डिवाइड करेगी, सेल जब डिवाइड होगा तो फिर ये किसी और सेल में जाएगा, ये किसी और सेल में जाएगा, और ऑब्वियसली दोनों सेल क्या हो गए, पैरेंटल सेल से डिफरेंट हो गए, तो वेरिएशंस क्रिएट हो गई। इस वजह से इसकी जो कॉम्बिनेशन थी वो चेंज हो गई, इसकी कॉम्बिनेशन चेंज हो गई, और दोनों ही जो थे अपने पैरेंटल क्रोमोसोम से डिफरेंट हो गए। तो दिस इज क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से तो एक वेरिएशंस का हमारे पास एक तो रीज़न ये था। पहला रीज़न हमने क्या देखा था, फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग, और दूसरा रीज़न क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड रीज़न हमारे पास क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस की प्रोसेस में एक स्टेज आती है क्रॉसिंग ओवर, उसमें फिर अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं, इस वजह से वेरिएशंस क्रिएट हो रही है। नाउ द नेक्स्ट, तीसरा रीज़न क्या होगा, थर्ड रीज़न इज रैंडम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बिल्कुल रैंडम होती है इन मोस्टली ऑल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट का नंबर काफ़ी लिमिटेड है, बट मेल गैमेट्स आर मिलियंस इन नंबर्स, बिकॉज डिस्ट्रक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए नेचर का ये सिस्टम होता है कि मेल गैमेट के नंबर को काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। अब वो कैसे डिस्ट्रक्शन के चांसेस होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है। कौन सा स्पर्म जाकर कर, ह्यूमन बींग की हम बात करें तो कौन सा स्पर्म जाकर के एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, हम इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। और जितनी भी स्पर्म है सबकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक दूसरे से थोड़ी 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 डिफरेंट है। अब उसमें से कोई एक पर्टिकुलर स्पर्म एक सेल को फर्टिलाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो जाइगोट बनेगा उसमें फिर जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली होगी और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज डेवलप होगी। देखिए जैसे हमारे पास दिस इज एग सेल, ये एग सेल है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। अब क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग की हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन की प्रोसेस से काफ़ी सारे जो स्पर्म है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज किए जाते हैं, 2000 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से लगभग 30% स्पर्म एक्टिव होने चाहिए फर्टिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए। तो काफ़ी सारे स्पर्म ट्रेवल करते करते यहाँ तक पहुँच गए, जस्ट लाइक आपने सुना होगा लाइफ इज जस्ट लाइक अ रेस, यहाँ पे भी सारे रेस में हैं, बिफोर द बर्थ रेस शुरू हो गई। अब इसमें से काफ़ी सारे स्पर्म इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं, बट ओनली वन स्पर्म कैन एंटर, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। मान लो कि हम इसमें से किसी एक को हम ले लेते हैं, ओनली वन स्पर्म, एक स्पर्म ये वाला जो स्पर्म था ये इसके अंदर एंटर कर गया, केवल इतना पोर्शन एंटर करता है, क्योंकि जो इसके इसकी जो टेल है, टेल की रिक्वायरमेंट किस लिए, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही एंटर करेगा, अब इसकी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो केवल इतना पोर्शन एंटर, इसके तुरंत बाद टेल बाहर रह गई। अब बाकी के जो स्पर्म है धीरे धीरे, इनकी एक अपनी लाइफ स्पैन होती है अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद फिर दूसरा स्पर्म को एंटर नहीं हो, इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग क्रिएट हो जाती है, हार्ड लेयर क्रिएट हो जाएगी ताकि और कोई स्पर्म एंटर नहीं करे, बिकॉज वी नो दैट हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो स्पर्म में 23, ओवम में 23, दोनों मिलकर के कितने हो गए 46, दैट इज 2n, n प्लस n, 2n डिप्लॉयड नंबर। अगर एक और स्पर्म एंटर कर जाएगा फिर क्या हो जाएगा, 3n ट्रिप्लॉयड। एक भी क्रोमोसोम इधर उधर हो जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रहेगा, और कंप्लीट एक सेट आ गया तो आप सोच सकते हैं वहाँ से एक नई स्पीसीज क्रिएट हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही प्रोसेस होगी इमीडिएट इसके ऊपर हार्ड लेयर आ जाएगी जो अब इसको फर्दर किसी स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देगा, एंड नाउ इसका न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, एंड देन अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट इज फॉर्म्ड, दैट इज जाइगोटिक फेज। और अब इसके बाद से फर्दर डेवलपमेंट होगी तो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी, दैट इज रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो तीन रीजन हमने देखे वेरिएशंस क्रिएट होने के। सबसे पहला रीज़न क्या था, फॉल्ट इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए की जब कॉपिंग होती है उसके लिए जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती, और उस वजह से
जो डीएनए अपने जब स्ट्रैंड जब क्रिएट करता है तो 100% सिमिलर जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्रिएट नहीं हो पाते, तो वहाँ पे फॉल्ट हो गई और उस वजह से वेरिएशंस क्रिएट हो गई। सेकंड क्या था, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस डिस्कस किया हमने। एंड थर्ड, और मतलब थर्ड क्या हुआ, रैंडम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है, हम अपने अकॉर्डिंगली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि यही पर्टिकुलर स्पर्म जाकर के एक्सेल को फर्टिलाइज करेगा, और हर स्पर्म की जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो स्पर्म एक्सेल को फर्टिलाइज करेगा उसके अकॉर्डिंगली जाइगोट की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट होगी, और उसके अकॉर्डिंगली उस जो जब जब जाइगोट डेवलप होगा ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन करेगा तो उस ऑफ स्प्रिंग में उस इंडिविजुअल में उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होंगे। तो दीज आर द रीजंस फॉर वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों क्रिएट होगी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिर एनिमल का। थैंक यू।